This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. Assalamu alaikum and very good morning to everyone. Live RKS program or transmission mein main hoon aapka host Rohail Intikhab aur aaj Friday hai, bahut acha din hai, Jumma hai, Jumma Mubarak hota hai hamare hum sab logo ke liye aur blessing day kaha jata hai hum sab ke liye aur ye definitely hota hai weekend bhi jo hai agar corporate ki baat kare agar business ki baat kare to almost jo hai weekend ki closing bhi ho rahi hoti hai aur agar stock market ki baat kare to definitely ye stock market ki closing bhi aaj ho rahi hoti hai kyunki Jumma hai, Jumme ko hum stock market direction khasa mukhtalif dekhte hain. अगर हम कंपेयर करें पूरे वीक स्टॉक मार्केट की जो डायरेक्शन है वो बहुत डिफरेंट रहती है. स्टॉक मार्केट की डायरेक्शन तो है ही डिफरेंट जब से ये पनामा की डायरेक्शन का सिलसिला पाकिस्तान में जो है ज़ोर पकड़ लिया है. अब से कुछ देर पहले भी आप अगर बिजनेस प्लस देख रहे हो तो आप देख रहे होंगे कि हम आपको अपडेट रख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो जो इश्यूज आ रहे हैं जिस तरीके से ऑपोजिशन और जिस तरीके से जो हुकूमती रिप्रेजेंटेटिव हैं वो अपने बयान रख रहे हैं तो मामला ऐसा लग रहा है कि आज या वेरी सून जो है सॉर्ट आउट हो जाएगा. इन दुआ गो हैं जो भी मामला आए वो मुल्क कौम के लिए बेहतर हों, सिस्टम्स के लिए बेहतर हों और इनफैक्ट हमारे बिजनेस कम्युनिटी और बिजनेस सर्कल के लिए बहुत बेहतर हो ताकि जो एक्टिविटी होल्ड हुई भी है चाहे वो स्टॉक्स की हो चाहे वो किसी भी सेक्टर की हो तमाम तर एक्टिविटी जो है होल्ड हुई हुई है. कहीं भी कोई काम देखने में नहीं आ रहा, लोग परेशान हैं, सर जोड़ कर बैठ गए जी अब कैसे मामलात ज़िंदगी के घर आगे चलेंगे क्योंकि कोई भी डेवलपमेंट किसी भी सेक्टर में अब नहीं हो रही. अभी जो भी हो रहा है और जो भी रिजल्ट अब आना शुरू हो जाएंगे ग्रेजुअली क्योंकि जून के बाद जब जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो सारे वो होंगे जो क्वार्टर थर्ड और फोर्थ और इस साल के यानी कि फिस्कल ईयर्स के होंगे. अब देखना ये है कि ये जो मराहिल में हम दाखिल हो चुके हैं आगे हमें क्या कुछ फेस करना होगा, अगली मॉनेटरी पॉलिसी जो होगी वो कहाँ पर होगी, डॉलर और रुपीज़ का अभी भी एक कन्फ्यूजन चल रहा है ओपन मार्केट और पाकिस्तान में जो ओपन मार्केट और पाकिस्तान में जो ट्रेडिंग मार्केट है वहाँ पर भी ये बात अभी ज़ेर गौर है कहाँ पर हम जा रहे हैं. ये तमाम तर बातों पर आपको रखेंगे और आपको बता दें कि मार्केट स्टार्ट हो चुकी है कितने पॉइंट्स के साथ. ठीक है, स्टॉक मार्केट अब से कुछ देर पहले ओपन हो चुकी है और जो ओपन हुई थी वो मार्केट ने जो है नेगेटिव जो है अपने आप को ओपन किया था 85 पॉइंट से और फौरन ही हमने ये देखा कि 240 पॉइंट्स का दोबारा हमने उसमें नेगेटिव जो है इम्पैक्ट देख लिया. यानी कि आप ये कहिए कि फ्राइडे है एक फैक्टर और दूसरा सबसे अहम फैक्टर जो एग्जिस्ट कर रहा है वो है पनामा एंड जेआईटी एंड ऑल द इशू जिसको हम पॉलिटिकल बबल अप या पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी कहते हैं. तो 240 पॉइंट का नेगेटिव चेंज हमने देख लिया है. एक बार बात कर लेते हैं गुज़िश्ता रोज़ की मार्केट की कि गुज़िश्ता रोज़ क्या सूरत हाल रही फिर इसी से जो है हम अपने दिन का आगाज़ करेंगे. आपको बताएं जी 100 इंडेक्स जो क्लोजिंग आई हमारे पास 45,059.93 पर यह बंद हुआ जिसमें हमने चेंज देखा 358.78 का जो कि नेगेटिव था. 30 इंडेक्स कैटेगरी की बात करें तो डेट वॉज 23,491.48 और इसमें हमने देखा कि 178.80 का नेगेटिव चेंज देखा. साथ में ऑल शेयर की अगर बात करें तो ऑल शेयर जो है 31,614.65 है और जिसमें 155.04 का नेगेटिव चेंज है. तीनों इंडेक्स आपके नेगेटिव बंद हुए हैं. ये तो प्रीवियस डे परफॉर्मेंस ऑफ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट हमने आपको बताई. इसके बाद आगे बात करते हैं टॉप वॉल्यूम लीडर्स की. अगर बात करें तो टीआरजी पाकिस्तान लिमिटेड में हमने देखा कि इसके स्टॉक में 10.50 मिलियन शेयर्स का काम देखा. आयशा स्टील मिल ने ख़ुद को सेकंड वन पर लीड किया. डेट वॉस 8.01 मिलियन शेयर्स. दीवान मोटर्स आपको रिटेन होता हुआ नज़र आया और उसके स्टॉक में 7.20 हमने उसका काम देखा वॉल्यूम्स का. एंग्रो पॉलीमर में हमने देखा कि 7.13 मिलियन शेयर्स का काम हुआ. एसगार्ड 9 में 6.22 का हमने काम देखा. तो ये वो टॉप वॉल्यूम्स हैं जो आपने गुज़िश्ता रोज़ देखे. टॉप वॉल्यूम्स के बाद आगे हम बात करेंगे टॉप गेनर्स की. टॉप गेनर्स में यूनिलीवर फूड ने हमने देखा कि उसके स्टॉक में इजाफा हुआ 290 रुपीज़ का. फ़िलिप मॉरिस पाकिस्तान में इजाफा हुआ रुपीज़ 122 का. वद पाकिस्तान में इजाफा हुआ रुपीज़ 45 का. खैबर टुबाको में इजाफा हुआ रुपीज़ 36 का. गंदारा इंडस्ट्री में इजाफा हुआ रुपीज़ 22 का.
टॉप लूजर्स की बात करते हैं. टॉप लूजर्स में जो स्टॉक्स रहे वो सफाई टेक्सटाइल लॉस्ट रुपीज 99, कॉलगेट पामोलिव लॉस्ट रुपीज 99, सनोफी एवेंटस लॉस्ट रुपीज 64, मिलर ट्रैक्टर्स लॉस्ट रुपीज 34 एंड मरी पेट्रोलियम लॉस्ट रुपीज 23.79. कंपनीज़ की बात करते हैं. गुज़िश्ता रोज़ जो हमने कंपनीज ऑब्जर्व होते हुए देखी, डेट वॉस 374 कंपनीज़ और उसमें एडवांस हुआ रुपीज़ 102 का. आई एम सॉरी, रुपीज़ कंपनीज़ जो हैं रुपीज़ नहीं 102 कंपनीज़ में एडवांस देखा और डिक्लाइन देखा 253 का और उसमें हमने अनचेंज देखा 19 का. तो टोटल कंपनीज़ आपने 374 देखी जिसमें एडवांस 102 का हुआ. वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम जो है 30 कैटेगरी में 35.52 मिलियन शेयर्स, केएससी 100 में आपने देखा 67.05 मिलियन शेयर एंड ऑल शेयर्स 148.04 मिलियन शेयर्स. ये तो वॉल्यूम से. एक बार सेक्टर्स की बात करते हैं. इंजीनियरिंग सेक्टर का टर्नओवर सबसे बेस्ट रहा, लीड किया गया, साथ में कमर्शियल बैंक सेकंड वन पर रहा. ऑल्दो कमर्शियल बैंक आपको दो दिन पहले फोर्थ और फिफ्थ वन पर था. टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन इस पूरे हफ्ते उसका टर्नओवर बहुत अच्छा रहा. सीमेंट ने फोर्थ वन पर जगह बनाई एंड ऑयल एंड गैस मार्केट कंपनी जो है कल फोर्थ पर थी, आज फिफ्थ वन पर हैं. तो इसका जो टर्नओवर है सबसे लास्ट में रहा अगर हम टॉप फाइव की बात करें. तो ये सूरत हाल गुज़िश्ता रोज़ स्टॉक मार्केट की रही और साथ में हमने देखा कि कुछ बेहतरी हमें नज़र आई है और इस पर मज़ीद बात करेंगे. और अमीन यूसुफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बेहतरीन एनालिस्ट हैं और बहुत बेहतर तरीके से तमाम तर मामलों को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं. अमीन साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, जुम्मा मुबारक, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? बड़ा अच्छा दिन होता है जुम्मे का, लोग जल्दी उठते हैं, ब्लेसिंग होती है. नॉर्मली हम देखते हैं रोज जल्दी उठना चाहिए वो, लेकिन रोजाना जुम्मा करना चाहिए. नहीं, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ अमीन साहब, एक फैक्टर जो है कि रोजाना आप जो है फ्राइडे का आपको ब्रेक नहीं मिलता, एक एक्साइटमेंट नहीं होती, फिर वीकेंड भी क्लोज हो रहा होता है, सैटरडे संडे आपका ऑफ आ रहा होता है, तो ये फैक्टर है. ये खुशी हो रही है, ये खुशी, पूरा हफ्ता अच्छा हो रहा है. मौसम भी आज अगर कराची की बात करें अच्छा, ये भी अच्छी बात, लेकिन इस्लामाबाद का मौसम अच्छा नहीं है, मार्केट का मौसम अच्छा नहीं है, मार्केट का भी मौसम अच्छा नहीं, क्योंकि इस्लामाबाद का मौसम अच्छा नहीं है. इस्लामाबाद का मौसम अच्छा हो जाएगा तो मार्केट का मौसम भी अच्छा हो जाएगा. अमीन साहब, क्या डेवलपमेंट हुई है अब तक सेक्टर्स की बात करें, क्या लग रहा है? आज भी बड़ा शोर शराबा रहा है, सुबह सवेरे हम टेलीविजन देखा तो बस सुप्रीम कोर्ट अपोजिशन और एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी और एक जो लब्बुल हैजा इस्तेमाल करना हमारे डिप्लोमेट्स का, कहाँ जा रहे हैं हम लोग, कहाँ पर खड़े हैं? बड़ी बड़ी बातें करते हैं और चीज़ें आप देखें. देखिए, वही वाली बात है कि हर चैनल पर ये सब चीज़ें चल रही हैं. देखिए, एक एक लिमिटेशन होती हैं कि बहुत ज़्यादा अगर आप उस चीज़ को दिखाते हैं तो नेगेटिव भी सेंटिमेंट प्रिवेल करता है. मार्केट में क्या होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटिमेंट पर मार्केट चल रही होती है और फ्यूचर न्यूज़ को देख के चल रही होती है. फ्यूचर में कुछ चीज़ें डिस्टर्बेंस अगर मार्केट में नज़र आती है तो आप देखते हैं मार्केट की डायरेक्शन अनसर्टेन होती है, ना बुलिश होती है ना बेरिश होती है. कभी आप देख रहे होते हैं कि मार्केट कल जैसे प्लस हो गई, फिर माइनस हो गई, फिर प्लस हो गई, तो एक डायरेक्शन लेस मार्केट में क्या होता है कि लोग भी थोड़ा सा साइड लाइन अभी 240 पॉइंट से कम जी बिल्कुल माइनस में है और लोग साइड लाइन हुए होते हैं, लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि एक डायरेक्शन बन जाए, इसके बाद हम मार्केट में काम करें. इससे ये होता है कि देखिए मार्केट में वॉल्यूम्स भी कम होते हैं, जो डे ट्रेडर होता है रोज़ाना आके जो डे ट्रेडिंग कर रहा होता है, जो डेली बेसिस पे प्रॉफिट लॉस लेके जा रहा होता है, वो भी मार्केट में नहीं होता, वो भी काम नहीं करता, वो भी देख रहा होता है कि एक डायरेक्शन मार्केट की बन जाए, या तो बेरिश बन जाए या बुलिश बन जाए, क्योंकि इन डिफरेंट में तो आप पैसा बना नहीं सकते, आप लूज करते हैं. तो ये है, हर जगह दुनिया में होता है, आप कोई भी मार्केट में उठा के देख लें, अगर फर्स्ट करें यूएस में या कोई डेवलप मार्केट में भी अगर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो रही है, कुछ चेंज आने वाला है, तो चेंज तो वेलकम करते हैं, लेकिन कौन सा चेंज अच्छा चेंज है कि बुरा चेंज है? और उसमें देखिए सारी पॉलिसीज अगर गवर्नमेंट लेवल पे हो ना तो सारी पॉलिसीज पे डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट्स आपके आगे के चलेंगे नहीं चलेंगे, क्वेश्चन मार्क्स होते हैं. मसला है कि दूसरी इकोनॉमीज में क्या है कि उनकी प्लानिंग्स होती हैं 5 या 10 साल की, जैसे हम कल बात कर रहे थे कि वो तो उनको इफेक्ट नहीं करता कोई भी है एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो चीज़ें उन्होंने चलानी है, इनको गाइडलाइंस मिली हुई हैं. तो यहाँ पर हमारे पास सॉरी टू से ऐसी कोई चीज़ें नहीं है, हमने ऐसी कुछ चीज़ें डेवलप नहीं की कि भाई कोई भी आता है, जो पॉलिसीज़ एक स्टेबल होनी चाहिए और उसको 10 साल की पॉलिसीज़ होनी चाहिए. हर सेक्टर में आप चले जाएं, आप इंडस्ट्री में चले जाएं, आप कम्युनिकेशन में चले जाएं, आप कोई भी सेक्टर में अगर इन्वेस्टमेंट को बंदा करना चाह रहा हो तो उसको पहले पता होना चाहिए कि भाई ये पॉलिसीज़ हैं, मैं इन्वेस्टमेंट्स कर रहा हूँ, अगर 5 या 10 साल तक सेम रहेंगी तो इट्स नॉट गोना अफेक्ट माई इन्वेस्टमेंट्स. अच्छा, आपने अगर बात की नेगेटिविटी की, अमीन साहब दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स नेगेटिव होती हैं, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेट जो पॉलिटिकल फैक्टर है ना वो बहुत स्ट्रेच अप हो गया है, वो इतना ज़्यादा स्ट्रेच हो गया कि उसी ही की वजह से अब मार्केट का बहुत ज़्यादा हम मनफी असर देख रहे हैं. अच्छा, मार्केट नॉर्मल जो नेगेटिव होती है वो बाइंग एंड सेलिंग जो प्रेशर आता है, रिजल्ट्स आ गए, ऑयल का सेक्टर आ गया, ब्यूटी एंड दैट्स अ नॉर्मल सिचुएशन ऑफ अ स्टॉक मार्केट. एडजस्टमेंट्स होती है, वो एडजस्टमेंट्स है, क्योंकि अगर ओवर प्राइस अगर स्टॉक हो जाएगा, उसकी अर्निंग्स अगर सही नहीं आ रही तो
वो एडजस्टमेंट लेगा हेल्दी होता है और वो डिपेंड्स ऑन द अनाउंसमेंट्स एंड द अर्निंग्स ऑफ द कंपनी. वो दुनिया भर में ही होता है. अर्निंग्स आती है, फोरकास्ट आ रहा तो उससे मीट नहीं करता है तो बीट कर देता है या मीट करता है. पॉलिटिकल कदघन थोड़ी थोड़ी लगती है फॉर अ शॉर्ट टर्म फॉर अ शॉर्ट पीरियड बट हाउ लॉन्ग वी हैव टू क्रॉस वन मोर. देखिए यही तो वजह है कि इस मार्केट में रिस्क प्रीमियम है. देखिए रिस्क एंड रिवॉर्ड है. यहाँ की जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं जिनमें मार्केट्स होती हैं उनमें रिस्क भी होता है लेकिन उसमें रिवॉर्ड भी होता है. रिस्क क्या है जो अभी ये रिस्क है ना जो हमने अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट रिवॉर्ड क्या है मार्केट 53,000 पे चलेगी और अनलिमिटेड हाईज आपने देख लिए आपने बड़े अच्छे रिटर्न्स बना लिए तो ये देखिए रिस्क रिवॉर्ड हर जगह होता है. तो जो गोरा भी आ रहा होता है वो क्यों आ रहा होता है वो देख रहा होता है. लेकिन ये ऑब्वियसली अभी जैसे इन्फ्लोज नहीं आ रहे हैं आपको पता है कि रुपी पैरिटी डॉलर का क्या होगा कुछ पता नहीं क्वेश्चन मार्क है. वही लोग परफॉर्म करें जो आज से पहले परफॉर्म करते हैं. इसमें ये होता है कि कोई भी अगर इस फ्रंट पे आता है ना अगर जैसे स्टेट बैंक का गवर्नर है कोई भी इस चीज़ को देख रहा हो तो उसको आके स्टेटमेंट्स देने चाहिए कि भाई अभी कुछ भी नहीं होगा स्टेबल रहेंगे. इससे क्या होता है कि पॉजिटिव चीजें जाती है. आप खुद देखें जिससे मीडिया में देख रहे हैं इतना बढ़ा इस फोरम पे बात कही गई. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. एंड पर आकर स्टॉक एक्सचेंज के लोग एक बात प्रेस रिलीज नहीं चलनी सर. अब मीडिया का दौर है टेलीविजन का दौर है. मंथली बेसिस पे परफॉर्मेंस देख लेना. तो बहुत मुश्किल है. या फिर पूछा गया जी आपको रेगुलेटर अथॉरिटी से कोई इश्यू है रेगुलेशंस वाले मना करते हैं एसएससीपी मना करता नहीं जी हमें बिल्कुल मना नहीं है क्यों नहीं करते एसएससीपी तो चाहता है कि अच्छी चीजें हो. देखिए ये सारे रिफॉर्म्स भी हुए हैं जो भी हम कहते हैं देखिए हम जो भी बुरा कहते हैं एसएससीपी ने ये सारे एसएससीपी ने इंप्लीमेंट करवाए. देखिए एसएससी ने इंप्लीमेंट कराया लेकिन इसमें क्रेडिट मैनेजमेंट को भी जाना चाहता है उन्होंने इंप्लीमेंट कराया और ब्रोकर्स ने जो मतलब इंप्लीमेंट किए 25 दिसंबर 2016 मैंने बाकायदा तौर पर तमाम स्टेक होल्डर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया सबको मोटिवेशन. शायद मैं भी आपके प्रोग्राम में आप थे हमने पूरा हिस्टोरिकल डेटा उठाया तमाम इंस्टीट्यूट को हमने हैट्स ऑफ कहा और हमने कहा कि इस साल स्टॉक मार्केट ने जो परफॉर्म किया उनके लिए जो है हमने क्या अल्फाज अदा किए थे. अब इसी कंसिस्टेंसी को आगे बरकरार रखना चाहिए. अभी तमाम तर लोग डिसअपॉइंटेड हैं बिल्कुल कारोबार नहीं हो रहा सर लोग परेशान भाई स्टॉक से लोग बैठे हम क्या करें जी हमें समझ में नहीं आ रहा हमें डर लग रहा है 53 की वैल्यू पे जो स्टॉक लिया था 30 की वैल्यू पे ना आ जाए कहाँ पर हम परफॉर्म करेंगे क्या मुस्तकबिल होगा लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी क्या होगी. आप ब्लू चिप्स की बात करते हैं आप लॉन्ग टर्म की बात करते हैं आप हमें क्यों. देखिए इसमें इसके इंडेक्स के अलावा भी छोड़ दो जिस पर्टिकुलर आपने स्क्रिप्ट में इन्वेस्टमेंट की हुई है सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की हुई है सेक्टर का आउटलुक तो खराब नहीं है ना वो तो सही है. सीमेंट में अगर आप कहते हैं सीमेंट में डिमांड एक्सपेंशन हो रही है. देखिए एक्सपेंशन कंपनी क्यों करती है